मंजूर एंड कम्युनिटी मोबिलाइजर ऑफ जीपी गणेशपुरा। मैं रिसेंटली आई हूँ क्लस्टर जी की न्यू वन। तो सर मैं इस एनआरएलएम में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले इसके रिगार्डिंग पढ़ा कि इसमें क्या है। जब भी मैंने देखा कि इसमें कुछ फायदा है, मेरे लिए भी है, मेरे जरिए बाकियों तक भी पहुंचेगा, तभी मैं इस फील्ड में आई। वो सब देखकर मैं इस फील्ड में आई। तो सर सबसे पहले जो मेरे पास एग्जांपल है वो एशमुकाम की एक लेडीज है, उसका नाम है रुबीना कुछ, उसकी शादी हुई है नंबल में। तो अपने बलबूते पे उसने अपना, अभी उसका जो कारखाना है वो लगभग 80 लाख तक है। तो जब हमारे गवर्नर सर कोई भी स्पीच देते हैं, सबसे पहले जो नाम लेते हैं वो होती है रूबी बानो। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन किया था वही। हां हां सर, यस। वो टेलीकास्ट नहीं है, टेंथ पास भी नहीं किया है उसने, लेकिन उसने अपने कारोबार को इतना बढ़ाया है। जब भी गवर्नर सर कोई भी स्पीच देते हैं, सबसे पहले उसका नाम लेते हैं जिसने 8th पास भी नहीं किया। लेकिन हम सब के लिए मिसाल है, अगर मैं पीजी कर रही हूँ या 12th कर रही है, तो वो 8th पास जो है उसने इतना किया, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को कितना कुछ दे सकते हैं। अगर एनआरएलएम हमें इतना कुछ देता है तो हमारा फर्ज बनता है हम इसमें भरपूर ताउन करें और अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाएं। तो मैं अभी अभी आई हूँ इसमें, इंशाल्लाह ताला जो मेरे पास अभी है 23 ग्रुप्स गणेशपुरा के, तो माशाल्लाह वो आगे भी बढ़ रही है। वीओ भी हमारा रिसेंटली सेटअप हुआ, इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होगा वहाँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश भी करेंगे। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हम न्यूली आए हैं जो हमारे प्रीवियस नंबर से, उनसे हम सीख ले, हमारे बीपीएम सर है, पीआरपी सर है, सबसे हम सीख ले। और जो हमारे ट्रेनिंग सेशन है सर, हमने अभी आपने कुछ क्वेश्चन किया, हमने उतना नहीं दे पाया। हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है, जो हम मैंने पहले ही बोला हमारा क्लस्टर तो आज हमारा ट्रेनिंग का पहला दिन था। इंशाल्लाह ताला आगे हम बहुत कुछ करेंगे, आपके दाम से हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे हमारी सपोर्ट।